ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमने आप लोग को बताया था कि बीमा कैसे निकाली जाती है, पिछले की पिछली वीडियो में ना, बीमित सूत्र वगैरह कैसे निकालते हैं, किस चीज़ का बीमा कैसे निकालते हैं। पिछली बार हमने बताया कि बीमा के उपयोग क्या होते हैं। ठीक है, आवाज़ आ रही भैया? हाँ हाँ प्रकाश सौरभ प्रणाम, अभिषेक मिश्रा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई मान्यता जी, सौरभ त्रिपाठी गुड मॉर्निंग, हिमांशु यादव गुड मॉर्निंग। ठीक है भैया, आते जाइए जल्दी जल्दी सब लोग ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हमने पिछली बार बताया था पिछले लेक्चर में आपको कि बीमा का उपयोग क्या होता है, यूजेज ऑफ डायमेंशन, बीमा के उपयोग। तो बीमा का पहला उपयोग हमने आपको बताया था कि ना, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। इसके लिए हमने आपको बताया था कि एन टू इजकल टू एन वन, एम वन अपान एम टू की पावर ए, एल वन अपान एल टू की पावर बी, टी वन अपान टी टू की पावर सी, जहां ए बी सी क्या हैं, बीमाएं हैं। और इस पे हमने आपको दो तीन सवाल भी बताए थे। ठीक है, आइए एक सवाल देखते हैं कि किसी जल का पृष्ठतनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, जल का पृष्ठतनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है। ठीक है, जल का पृष्ठतनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है। ठीक है, समझे? क्वेश्चन है, देखें, जल का पृष्ठतनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, तो इसका मान एसआई में ज्ञात करो, इसका मान एसआई में ज्ञात करो। ठीक है, इसका हल देखें, कह रहा है जल का पृष्ठतनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, तो इसका मान एसआई में ज्ञात करो। ठीक है, किसी जल का पृष्ठतनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, तो इसका मान हमें किस में निकालना है बच्चों, एसआई में निकालना है। ठीक है, तो हमने इसके लिए आपको बताया था कि किसी भी जब एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये पहली पद्धति है ना, जल का पृष्ठतनाव, ये पहली पद्धति में दिया है मान, और हमें एसआई में निकालना है, यानी दूसरी पद्धति में निकालना है। तो ये पृष्ठ तनाव है, क्या है, पृष्ठ तनाव, जल का पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पृष्ठ तनाव की बीमा निकालेंगे। तो यहाँ पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र, पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र। मेरे बच्चों, पृष्ठ तनाव को कैसे लिखते हैं, टी से, टी बराबर होता है एफ अपान एल, और एफ का होता है एम एल टी माइनस टू, और ये एल, एल से एल कट गया, टी इजकल टू एफ अपान एल, तो ये क्या आ जाएगा, एम टी माइनस टू, या इसी को लिख सकते हैं एम एल की पावर जीरो टी माइनस टू। बात को समझिएगा, ठीक है, टी बराबर एफ अपान एल, ठीक है, टी बराबर एफ अपान एल होता है, जहाँ एफ क्या है, बल है, एल लंबाई है, तो एम एल टी माइनस टू लंबाई का एल, तो एल से एल कट गया, एम टी माइनस टू, तो एम एल की पावर जीरो टी माइनस टू, ये आ जाएगा। ठीक है, पृष्ठतनाव का बीमी सूत्र आ जाएगा एम एल की पावर जीरो टी माइनस टू। ठीक है, एम एल की पावर जीरो टी माइनस टू। ठीक है, यहाँ पर ना, यहाँ a बराबर कितना है, वन है, b बराबर कितना है, जीरो है, और c बराबर माइनस टू। a बराबर वन, b बराबर जीरो, और c बराबर माइनस टू। तो अच्छा, तथा n1 की वैल्यू कितनी है, देखें, पहली पद्धति में आंकिक मान कितना है, 72 है,
एन वन इजकल टू 72, आपको निकालना क्या है मेरे बच्चों, एन टू का मान निकालना है। किसका मान? एन टू का मान निकालना है। और पहली पद्धति में डाइन प्रति सेंटीमीटर है, क्या है? डाइन प्रति सेंटीमीटर, और इसे एसआई में बदलना है, यानी न्यूटन प्रति मीटर में बदलना है। तो देखें एन टू बराबर एन वन, एम वन अपान एम टू की पावर ए, एल वन अपान एल टू की पावर बी, टी वन अपान टी टू की पावर क्या? सी। तो एन टू बराबर एन वन की वैल्यू कितना है? 72। एम वन पहली पद्धति में द्रव्यमान किसमें है? ग्राम में। और दूसरी पद्धति में द्रव्यमान किसमें है एसआई? किलोग्राम में। और ए की वैल्यू 1। पहली पद्धति में लंबाई किसमें है? पहली पद्धति में लंबाई किसमें है भैया? सेंटीमीटर में। और दूसरी पद्धति में लंबाई किसमें है? मीटर में। और इसकी पावर 0। ठीक है, इतनी बात समझे। पहली पद्धति में समय किसमें है? सेकंड में। और दूसरी पद्धति में समय किसमें है? सेकंड में। इसकी पावर -2। ठीक है, ये कट रहा है क्या? ठीक है, ये कटना नहीं चाहिए भाई। ठीक है, अच्छा इससे ये कट गया तो ये आ गया एन टू इजकल टू 72, और ग्राम बटे किलोग्राम को क्या लिख सकते हो? 1000 ग्राम गुणे सेंटीमीटर बटे मीटर की पावर 0। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1। सेंटीमीटर बटे मीटर की पावर 0 क्या लिख सकते हैं? 1। और 1 की पावर -2 को भी क्या लिख सकते हैं? 1। तो एन टू इजकल टू ग्राम से ग्राम कट गया 72 × 10⁻³, या एन टू इजकल टू 7.2 × 10⁻², मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, बात समझ में आई मेरे बच्चों? ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.2 × 10⁻²। अगर कोई दिक्कत है ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछें। ठीक है ना, ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो बताएं। ठीक है, जल का पृष्ठतनाव 72 डाइन पर सेंटीमीटर, इसका एसआई मान ज्ञात करना है। पृष्ठतनाव का विमीय सूत्र हमने लिख दिया, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू लिख दिया, इतना और इतना कर लेंगे। तो इस पर रिलेटेड सवाल कर लेंगे भाई। थोड़ा आगे चलें, थोड़ा दूसरे टाइप की बात करें ना। अभी देखें बच्चों, ठीक है, हम इस पर और न्यूमेरिकल लगाते रहेंगे। आए हम लोग बीमा का दूसरा उपयोग देखते हैं। ठीक है, तो बीमा का पहला उपयोग था क्या? एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलने के लिए फार्मूला लगाते हैं एन टू बराबर एन वन, एम वन अपान एम टू की पावर ए, एल वन अपान एल टू की पावर बी, टी वन अपान टी टू की पावर सी। ठीक है, अब देखें इसके लिए बीमा का जो दूसरा उपयोग है वो क्या है? बीमा का दूसरा उपयोग है कि बीमा का दूसरा उपयोग है बेटा सूत्रों की जांच करना। ठीक है, किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करना। बीमा का दूसरा उपयोग है कि बीमा का दूसरा उपयोग किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना, ठीक है, कि कोई भी समीकरण विमीय विधि से सत्य है अथवा नहीं। ठीक है, तो किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। ठीक है, किसी समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, उस समीकरण के, ठीक है, कोई भी समीकरण भौतिकी में, कोई भी समीकरण ना विमीय रूप से सत्य है अथवा असत्य।
ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, उसके प्रत्येक पद की बीमा समान होनी चाहिए। जो समीकरण दिया है उसके प्रत्येक पद की बीमा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। सपोज कीजिए कि आपके पास माना कोई समीकरण, माना कोई समीकरण ए बराबर बी प्लस सी अथवा ए बराबर बी माइनस सी है, तो यह समीकरण बीमी रूप से, यह समीकरण बीमी रूप से सत्य होगा यदि ए बराबर बी बराबर सी, यदि बीमी सूत्र ए, ए, ए यदि ए की बीमा बराबर बी की बीमा बराबर सी, यानी प्रत्येक पद की बीमा समान होगी। किसी समीकरण में स्थित यदि प्रत्येक पद की बीमा समान है तो वो क्या है, समीकरण बीमी दृष्टि से सत्य है। किसी समीकरण में स्थित प्रत्येक पद की बीमा समान है तो वह समीकरण बीमी दृष्टि से क्या है, सत्य है। किसी समीकरण में स्थित प्रत्येक पद की बीमा समान है तो वो क्या है, समीकरण सत्य है, बीमी दृष्टि से सत्य होगा। ठीक है, यहाँ एक बात समझने लायक है, थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम 10 मीटर में 3 मीटर जोड़ें तो 13 मीटर होता है, होता है भाई। ठीक है, अगर यहाँ किलोग्राम होता तो जुड़ तो पाता ना, तो 10 मीटर में अगर हम 3 मीटर जोड़ें तो 13 मीटर होता है। यानी 10 क्या है, 10 आंकिक मान है, 10 की तो कोई बीमा नहीं होगी, लेकिन मीटर का बीमी सूत्र क्या होगा, L, और इसका भी बीमी सूत्र क्या होगा, L, तो यहाँ क्या आ जाएगा, L ना, यानी प्रत्येक पद का बीमी सूत्र आ रहा है भाई ना, प्रत्येक पद का बीमी सूत्र, इसका L है, इसका L है, तो इसका भी क्या होगा, L। और इसी तरीके से अगर हम 10 मीटर में 3 मीटर घटा दें तो 7 मीटर आएगा, यानी ये L हुआ, ये इसका बीमी सूत्र क्या हुआ, L, इसमें से L घटा दिए तो L आया ना, तो L में L जोड़ेंगे तो कितना आएगा, L बीमी सूत्र में, ठीक है, इसमें भी इतना आएगा। जबकि बेटा अगर कहीं 10 मीटर है ना, सॉरी नीचे कट रहा होगा, अगर कहीं 10 मीटर है तो उसमें हम 5 किलोग्राम तो नहीं जोड़ सकते भाई, ठीक है, इसीलिए इसका अगर हम बीमी सूत्र निकालेंगे तो यल आएगा और इसका यम आएगा, जो कि क्या है, इनवैलिड है, ये असत्य है। तो मेरी बात को समझिएगा, कोई भी समीकरण बीमी रूप से सत्य कब होगा, जब उसके प्रत्येक पद का बीमी सूत्र समान होगा। कोई भी समीकरण बीमी रूप से सत्य कब होगा, जब उसके प्रत्येक पद का बीमी सूत्र समान होगा। ठीक है, तो कोई भी समीकरण बीमी रूप से सत्य तब होता है जब उसके प्रत्येक पद का बीमी सूत्र समान होता है। ठीक है, और अगर हम L में L जोड़ेंगे तो कितना आएगा, L, M में M जोड़ेंगे तो कितना आएगा, M, ठीक है, लेकिन L में M को नहीं जोड़ा जा सकता, यानी इसको ऐसे जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, L में L घटाए तो L ही आया, नहीं कि जीरो ला दें ना, क्यों, क्योंकि 10 मीटर में से 3 मीटर जाएगा तो 7 मीटर आएगा, मीटर में हम मीटर को ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, तो L इसका बीमी सूत्र हो जाएगा। ठीक, एक बात और ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा, चलें आगे। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करते हैं ना, समीकरण में प्रत्येक पद का बीमी सूत्र निकाल लेते हैं, प्रत्येक पद के बीमी सूत्र अलग अलग बराबर आने चाहिए। जैसे यहाँ a बराबर, अगर यहाँ x बराबर y प्लस z होता तो x का बीमी सूत्र बराबर y का बीमी सूत्र बराबर z का बीमी सूत्र होना चाहिए, तो समीकरण सत्य है। ठीक है, चलें बच्चों, ये बात समझ में आई ना, ठीक है, कोई दिक्कत ना। अभी देखें भैया, अभी एक बात और देखें, अगर कोई समीकरण, ठीक है, अगर कोई समीकरण ना, या चलिए आगे ये बात करेंगे, क्योंकि अभी एक आध सवाल आप लगा दें तो आप जान जाएंगे। ठीक है, ठीक है, मेरी बात को समझें। ठीक है, मैं ये कहने वाला था कि यदि कोई समीकरण बीमी दृष्टि से सत्य है, यदि कोई समीकरण बीमी दृष्टि से सत्य है, तो यह कोई ज़रूरी नहीं
कि वह भौतिकी दृष्टि से भी सत्य हो। ठीक है, समझिएगा, अगर कोई समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य है तो यह जरूरी नहीं कि वह भौतिकी दृष्टि से भी सत्य हो। ठीक है, अगर कोई समीकरण विमीय दृष्टि से असत्य है तो यह बिल्कुल जरूरी है कि भौतिकी दृष्टि से असत्य होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर कोई समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य है तो यह हो सकता है कि वह भौतिकी दृष्टि से असत्य हो, लेकिन अगर कोई समीकरण विमीय दृष्टि से असत्य है तो वह समीकरण जरूर से भौतिकी दृष्टि से असत्य होगा, वो सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, देखें अभी आप पहले इस तरह विमीय समीकरण की जांच करना देखें किसी भी समीकरण की। जैसे हमसे कोई कहे कि b बराबर यू प्लस ए टी की सत्यता की जांच करो, b बराबर यू प्लस ए टी की सत्यता की जांच करो। ठीक है, समीकरण b बराबर यू प्लस ए टी की सत्यता की जांच करो, तो यहाँ कई पद हैं, v है, u है और ए टी है। तो v क्या है, वेग होता है, आप सब लोग जानते हैं। u क्या है, ये भी वेग है, ये प्रारंभिक वेग है। a क्या है, त्वरण है। t क्या है, समय है। तो यहाँ प्रथम पद का विमीय सूत्र, प्रथम पद ना का विमीय सूत्र, ठीक, यानी v का विमीय सूत्र, v का विमीय सूत्र कितना आएगा, एल टी माइनस वन। ठीक है, द्वितीय पद का विमीय सूत्र, द्वितीय पद का विमीय सूत्र यानी किसका विमीय सूत्र, u का विमीय सूत्र, और u का विमीय सूत्र क्या होगा, एल टी माइनस वन। ठीक है, प्रथम पद का विमीय सूत्र यानी a का विमीय सूत्र, v का विमीय सूत्र, v का विमीय सूत्र एल टी माइनस वन, द्वितीय पद का विमीय सूत्र यानी u का विमीय सूत्र, और u का विमीय सूत्र भी कितना होगा, एल टी माइनस वन। ठीक है, अभी देखें ए टी तृतीय पद का विमीय सूत्र, तृतीय पद का विमीय सूत्र, ठीक है, तृतीय पद का विमीय सूत्र क्या होगा, ए का विमीय सूत्र, ए का विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी माइनस वन, और टी का विमीय सूत्र टी, ठीक, ए का विमीय सूत्र एल टी माइनस टू और टी का टी, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एल टी माइनस वन आ जाएगा। तो देखें बच्चों, प्रथम पद का विमीय सूत्र, द्वितीय पद का विमीय सूत्र और तृतीय पद का विमीय सूत्र तीनों बराबर हैं ना, यहाँ प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद तीनों के विमीय सूत्र बराबर हैं, अतः समीकरण b बराबर यू प्लस ए टी विमीय दृष्टि से सत्य है। ठीक है, अतः समीकरण b बराबर यू प्लस ए टी विमीय दृष्टि से सत्य है, अतः समीकरण ना v बराबर यू प्लस ए टी विमीय दृष्टि से सत्य है। ठीक है, तो किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करना है तो उसके प्रत्येक पद का विमीय सूत्र निकाल लेते हैं, अगर वो विमीय सूत्र सही है हर पदों का तो समीकरण सत्य है, अथवा क्या आएगा, असत्य आएगा। तो चलें आगे सत्यता की जांच कर लेंगे ना। ठीक है, इसको रफ करें, तो नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखें अगला, देखें समझे बेटा, समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की सत्यता की जांच करो। ठीक है, तो यहाँ कई पद हैं, एक पद है, दो पद है और तीन पद है ना बेटा, यहाँ कई पद हैं, तीन पद हैं। तो यहाँ अच्छा, जहाँ पर s क्या है, दूरी है, u क्या है, वेग है, t क्या है, समय है, a क्या है, त्वरण है। ठीक है, तो यहाँ प्रथम पद का विमा, प्रथम पद की विमा ना,
यानी किसकी बीमा, एस की बीमा, और एस की बीमा क्या आ जाएगी, एल, प्रथम पद की बीमा बराबर एस की बीमा या एस का बीमी सूत्र कितना आ जाएगा, एल आएगा। द्वितीय पद की बीमा, द्वितीय पद की बीमा, और द्वितीय पद क्या है, यूटी, यूटी की बीमा, यू की बीमा कितना होगा, एल टी माइनस वन, और टी का टी होगा, टी से टी कट गया, तो द्वितीय पद की बीमा कितनी आ गई, एल, ठीक है। तृतीय पद का बीमा, तृतीय पद की बीमा बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ का कोई बीमा नहीं होती, ठीक है। हाफ क्या है, नियतांक है, नियतांकों की कोई बीमा नहीं होती है, ठीक है। ए का बीमी सूत्र क्या होगा मेरे बच्चों, एल टी माइनस टू, और टी का टी स्क्वायर, इससे ये कट गया तो एल आया ना। तो प्रथम पद का बीमी बीमा बराबर द्वितीय पद की बीमा बराबर तृतीय पद की बीमा, तीनों पद की बीमा समान है, अतः ना प्रथम पद की बीमा बराबर द्वितीय पद की बीमा बराबर तृतीय पद की बीमा, अतः समीकरण S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बीमी रूप से क्या है, सत्य है, ठीक है। बीमी रूप से सत्य है, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बीमी रूप से सत्य है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं भाई ना, सिद्धार्थ सिंह, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग ना, कोई दिक्कत हो तो बताएं। हमें लगता है बच्चियों के ग्रुप में मैसेज नहीं पहुंचा था लगता है, ठीक, खैर कोई बात नहीं। देखें इधर, तो किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना ना, ठीक है, हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे, सत्यता की जांच ना। सत्यता की जांच करने के लिए LHS का बीमी सूत्र निकालते हैं, फिर RHS का बीमी सूत्र निकालते हैं ना, या इस तरह करते हैं कि हर पदों का बीमी सूत्र निकालते हैं, प्रत्येक पद का बीमी सूत्र समान है तो क्या होगा, समीकरण सत्य है। अगर समान नहीं है समीकरण, आए अभी इसी में देखें बेटा, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की सत्यता की जांच करनी थी। अगर इसी में ना, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर इसी में कह दें कि S बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर की सत्यता की जांच करो, तो प्रथम पद का बीमी सूत्र ऐसा आया, द्वितीय पद का बीमी सूत्र भी यही आया यू टी, और तृतीय पद का बीमी सूत्र भी यही आया, तो समीकरण S बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर बीमी रूप से क्या है, सत्य है। मेरी बात को समझिएगा, समीकरण S बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर ना की सत्यता की जांच करो, तो इसका बीमी सूत्र निकाल लिए, इसका निकाल लिए, ये तो बीमी रूप से क्या है, ये सत्य है, ये बीमी रूप से सत्य है, लेकिन भौतिकी से क्या है, असत्य है। अब यही बात हम आपको बता रहे थे कि कोई समीकरण ये हो सकता है कि बीमी रूप से सत्य हो, कोई समीकरण ये हो सकता है कि बीमी रूप से सत्य हो, लेकिन भौतिकी रूप से क्या हो सकता है कि वो असत्य हो। लेकिन अगर कोई समीकरण बीमी रूप से असत्य है ना, तो वो भौतिकी रूप से सत्य नहीं हो सकता, ठीक है। मेरा कहने का मतलब कि बीमी रूप से सत्य होने पर वो भौतिकी रूप से असत्य हो सकता है, लेकिन बीमी रूप से असत्य होने पर ना वो भौतिकी रूप से अवश्य असत्य होगा, ठीक है। तो चलें आगे, अभी इस तरह की बातें आगे आएंगी, देखा जाएगा। तो बीमा का पहला उपयोग मैंने बताया था कि क्या, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था N2/N1 ना, या N2=N1, M1/M2 L1/L2 T1/T2 और इसका दूसरा उपयोग बताया क्या, सूत्रों की जांच करना या किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच करने के लिए प्रथम पद का बीमी सूत्र लिखते हैं, द्वितीय पद का बीमी सूत्र लिखते हैं, तृतीय पद का बीमी सूत्र लिखते हैं। अगर सारे बीमी सूत्र बराबर हैं तो सूत्र क्या होगा, सत्य है।
अगर विमी सूत्र बराबर नहीं है तो सूत्र असत्य है। ठीक है, अभी देखें, मेरी बात को समझें। ठीक है, अभी देखिए भैया अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि यदि किसी कण का वेग b बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर है तो a कामा b कामा c का विमीय सूत्र ज्ञात करो जहां टी क्या है समय। ठीक है, तो मेरी बात को समझिएगा। ठीक, यहां क्या दिया है बेटा, किसी कण का वेग v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर है। किसी कण का वेग v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ए बी सी का विमीय सूत्र निकालना है जहां पर टी क्या है, समय है। तो देखें यहां क्या दिया है, कण का वेग v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ये हमको दिया है कण का वेग। ठीक है ना, बात को समझें, कोई भी समीकरण विमीय रूप से कब सत्य होता है, जब उसके प्रत्येक पद का विमीय सूत्र क्या हो, समान हो। ठीक है, तो मेरी बात को समझें, यहाँ पर ये प्रथम पद है, इसका विमीय सूत्र इसके बराबर होगा, इसका विमीय सूत्र इसके बराबर। अभी हम लोगों ने मीटर में मीटर जोड़ा था तो मीटर ही तो आया था ना मेरे बच्चों, मीटर में मीटर जोड़ा, यानी यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर, यानी जो इसका विमा होगी वही इसका होगी, सॉरी जो इसका होगी प्रथम पद की वही द्वितीय पद की होगी, वही तृतीय पद की होगी, और ये सब अलग अलग इसके बराबर होंगी कि नहीं, बात को समझिएगा बच्चों। ठीक है, हमने जब अभी L में L जोड़ा था तो L ही तो आया था, तो जो इसका विमीय सूत्र होगा वही इसका होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा, ये बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना, बात को समझिए, तो यहाँ कण का वेग v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, तो अब प्रश्नानुसार a का विमीय सूत्र, प्रश्नानुसार a का विमीय सूत्र बराबर क्या आ जाएगा, v का विमीय सूत्र। और v क्या है मेरे बच्चों, v क्या है, यहाँ पर वेग है, वेग का विमीय सूत्र कितना होगा, LT-1। v क्या है, वेग है, और वेग का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, LT-1। a का विमीय सूत्र बराबर v का विमीय सूत्र, और v का विमीय सूत्र हो जाएगा LT-1। चलें आगे, अभी देखें, तथा समझें BT का विमीय सूत्र बराबर कितना आ जाएगा, v का। ठीक है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है लगता है ना, ऊपर कट रहा होगा, देखें यहां लिखते हैं, BT का विमीय सूत्र बराबर B का विमीय सूत्र, तो B का विमीय सूत्र बराबर B बटे T का विमीय सूत्र ना, ठीक है, अब b का कितना आएगा, LT-1, और t ऊपर जाएगा तो LT-2। ठीक, बात को समझिएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, LT-2। क्लियर है कि नहीं, b बटे t, b का LT-1, t का इतना, तो LT-2। अभी समझें, ठीक है, रफ करें बच्चों इसको,
ना। अभी तीसरा देखिए, ठीक है, तीसरा, इसका विमीय सूत्र इसके बराबर था, इसका इसके बराबर था, तो इसका किसके बराबर होगा, इसके बराबर, इसके बराबर और इसके बराबर, यानी सब एक दूसरे के बराबर। तो कैसे करेंगे, अगला सी टी स्क्वायर का विमीय सूत्र बराबर, सी टी स्क्वायर का विमीय सूत्र बराबर वी का विमीय सूत्र, सी टी स्क्वायर का विमीय सूत्र बराबर वी का विमीय सूत्र, तो सी का विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों बी बटे टी स्क्वायर का विमीय सूत्र, और v का विमीय सूत्र कितना होता है एल टी माइनस वन, और t का t स्क्वायर तो ऊपर जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा एल टी माइनस थ्री, कितना आ जाएगा एल टी माइनस थ्री, यानी c का विमीय सूत्र क्या आ गया एल टी माइनस थ्री, बी का विमीय सूत्र एल टी माइनस टू, और a का विमीय सूत्र एल टी माइनस वन। ठीक है, ऐसे करिएगा फिर हमें बताइएगा, ठीक है। ठीक, तो चलें आगे भाई, कर लेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो ये था बच्चों बीमा का दूसरा उपयोग। बीमा का पहला उपयोग क्या था, सूत्रों की जांच करना, ठीक है, सॉरी, बीमा का पहला उपयोग क्या था, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाए थे, एन टू बराबर एन वन, एम वन अपान एम टू की पावर ए, एल वन अपान एल टू की पावर बी, टी वन अपान टी टू की पावर सी, ठीक है, जहां ए बी सी क्या थी, बीमाएं थी। उसके बाद हम लोग इसमें दूसरा वाला क्या लगाए हैं, क्या सूत्रों की जांच करना या किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना, ठीक है। तो किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना हो तो उसके प्रत्येक पद की विमाएँ क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, प्रत्येक पद का विमीय सूत्र क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मेरे बच्चों आइए इस पे एक सवाल हम और देखते हैं, ठीक है, एक सवाल है, अगर मान लीजिए कि किसी कण का वेग, यदि किसी कण का वेग, यदि किसी कण का वेग देखें, ठीक है, यदि किसी कण का वेग a बराबर, यदि किसी कण का वेग समीकरण b बराबर a प्लस बी टी प्लस सी बटे डी प्लस टी है, तो ए कामा बी कामा सी कामा डी का विमीय सूत्र ज्ञात करो जबकि टी क्या है, समय है, जबकि टी समय है, ठीक है। तो b बराबर a प्लस बी टी प्लस सी बटे डी प्लस टी ना से हमको निकालना है, जबकि t क्या है, समय है, ठीक है। रवीन सिंह, अच्छा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, हाँ ठीक है। हमको लगता है कि ये बच्चियों के ग्रुप में मैसेज नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि बच्चियां कम दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए 11 की स्ट्रेंथ भी कम लग रही है थोड़ा सा। चलिए खैर, वो लोग वीडियो देख लेंगे जो लोग अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन सब लोग अवेलेबल रहा करें। सबके दिमाग में लगता है 11 बजे से फीड है ना, आज हमारी टाइमिंग चेंज हो गई, हम आज 10 बजे आ गए हैं ना, तो एक टाइम मत रखिए दिमाग में, ठीक, कभी कभी टाइमिंग बदलती रहती है। देखें, समझे भैया, किसी कण का वेग समीकरण v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी बटे डी प्लस टी है, तो कह रहा है कि ए बी सी डी का विमीय सूत्र ज्ञात करो, ए बी सी डी का विमीय सूत्र ज्ञात करो। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी समीकरण, कोई भी समीकरण विमीय विधि से
या विमी रूप से सत्य कब होगा, जब उसके प्रत्येक पद का विमी सूत्र बराबर हो, यानी इसका इस पद का विमी सूत्र इस पद के बराबर हो, इसका विमी सूत्र इसके बराबर या इसके बराबर हो, इसका विमी सूत्र इसके बराबर या इसके बराबर हो। बात को समझिएगा। तो देखें, यहाँ ए का विमी सूत्र बराबर किसका विमी सूत्र, V का विमी सूत्र आ जाएगा ना भाई, A का विमी सूत्र बराबर V का विमी सूत्र, और V क्या है, वेग है, वेग का विमी सूत्र कितना आ जाएगा, एल टी माइनस वन। ठीक है, अब देखें, तथा किसका विमी सूत्र, वी टी का विमी सूत्र बराबर V का विमी सूत्र ना, तो B का विमी सूत्र बराबर, ठीक है, अब B का विमी सूत्र बराबर तो V बटे T का विमी सूत्र, और V क्या है बेटा, एल टी माइनस वन, और टी टी है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एल टी माइनस टू। ठीक है, होगा कि नहीं, क्या होगा, एल टी माइनस टू। ठीक, इतनी बात समझ में आई, ठीक है, कर लेंगे। अभी देखें, यहां देखें, पहले ये डी और टी के बीच प्लस लगा है ना, एल में एल जोड़ते हो तो एल ही तो आता है ना, तो यहां डी का विमी सूत्र बराबर टी का विमी सूत्र, और टी का विमी सूत्र कितना होगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो ए का विमी सूत्र पता चल गया आपको, बी का विमी सूत्र पता चल गया, डी का पता चल गया, अब सी बटे डी प्लस टी का विमी सूत्र बराबर क्या, एल टी माइनस वन। ठीक है, किसका विमी सूत्र, इतने पूरे का विमी सूत्र बराबर वी का विमी सूत्र, और वी का विमी सूत्र कितना होता है, एल टी माइनस वन। ठीक, तो सी का विमी सूत्र बराबर एल टी माइनस वन गुणे डी प्लस टी का विमी सूत्र, तो डी का भी टी है और टी का भी टी है, तो टी में टी जोड़ोगे तो टी है तो आएगा, तो कितना आ गया, एल आया। बात समझ में नहीं आई ना, बात को समझिए, डी का विमी सूत्र टी के बराबर होगा सी, ठीक है, तो सी बटे डी प्लस टी का विमी सूत्र बराबर किसका विमी सूत्र, वी का, इतने पूरे का विमी सूत्र बराबर किसका विमी सूत्र, वी का, और वी का विमी सूत्र कितना होता है, एल टी माइनस वन। ठीक है, तो C का विमी सूत्र बराबर एल टी माइनस वन गुणे डी प्लस टी का, डी का भी टी है और टी का भी टी है, तो टी में टी जोड़ोगे टी ए होगा, तो ये कट गया तो एल आया, C का विमी सूत्र कितना आ जाएगा, एल। तो A का विमी सूत्र इतना था, B का इतना था, D का इतना था, और C का एल आ गया, तो कर लेंगे भैया। ठीक है, कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे मेरे बच्चों ना, तो जिनको उतारना है उतार लीजिए, नहीं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरी चीज लेते हैं, बीमा का तीसरा उपयोग। ठीक है, बीमा का तीसरा उपयोग क्या है, देखें, पहला उपयोग क्या था, सूत्रों एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, दूसरा उपयोग था सूत्रों की जांच करना, और तीसरा उपयोग है, इसको नोट कर लीजिए, तीसरा उपयोग है बच्चों कि सूत्रों की उत्पत्ति करना, सूत्रों की उत्पत्ति करना। हमको ये दिया रहेगा कि कोई भी समीकरण,
ना, या हमको ये दिया रहेगा कि कोई भी चीज़ ना किसी पर निर्भर करती है, कोई भी भौतिक राशि किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। हमें ये दिया रहेगा कि कोई भौतिक राशि किन्हीं अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उन भौतिक राशियों के बीच सूत्र की स्थापना करो। कोई भौतिक राशि किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उन भौतिक राशियों के बीच सूत्र की स्थापना करिए। ठीक है, तो देखें तीसरा उपयोग, बीमा का तीसरा उपयोग क्या है? सूत्रों की उत्पत्ति करना, सूत्रों की उत्पत्ति करना। ठीक है, हमें ये दिया रहता है बेटा इसमें कि कोई भौतिक राशि किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उनके बीच सूत्र ज्ञात करो बीमी विधि से। तो देखिए इस पर एक सवाल लेते हैं तो समझ में आएगा आपको। एक क्वेश्चन देखिए, किसी सरल लोलक का, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल टी कामा लोलक की लंबाई L, लोलक की लंबाई L, ठीक है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T, लोलक की लंबाई L, गुरुत्वीय त्वरण G एवं लोलक के द्रव्यमान यम पर निर्भर करती है, तो सरल लोलक के आवर्तकाल का बीमी विधि से सूत्र ज्ञात करो, सूत्र का व्यंजक ज्ञात करो। ठीक है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल टी, लोलक की लंबाई एल, गुरुत्वीय त्वरण जी एवं लोलक के द्रव्यमान एम पर निर्भर करती है, तो सरल लोलक के आवर्तकाल का बीमी विधि से सूत्र ज्ञात करो। हमें ये कह रहा है, ठीक, हमें कह रहा है किसी सरल लोलक का आवर्तकाल टी, लोलक की लंबाई एल, गुरुत्वीय त्वरण जी और लोलक के द्रव्यमान एम पर निर्भर करती है, तो लोलक के आवर्तकाल का बीमी सूत्र ज्ञात करो। ठीक है, देखिए कैसे गाएंगे। ठीक, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, सॉरी, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई L, गुरुत्वीय त्वरण G और लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई, गुरुत्वीय त्वरण और लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो इसके आवर्तकाल का बीमी विधि द्वारा हमें सूत्र निकालना है। तो जो जिस पर निर्भर करे बेटा उसके अनुक्रमानुपाती मान लेते हैं। यहाँ आवर्तकाल लंबाई L, गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है ना, तो यहाँ ऐसे मानेंगे, माना सरल लोलक का आवर्तकाल टी, माना सरल लोलक का आवर्तकाल टी कामा लोलक की लंबाई एल, माना सरल लोलक का आवर्तकाल टी, लोलक की लंबाई एल की घात ए, एल की पावर ए जो दिया है उसकी पावर के रूप में मान लेते हैं, लोलक की लंबाई ए कामा गुरुत्वीय त्वरण जी की पावर बी एवं लोलक के द्रव्यमान एम की पावर सी के अनुक्रमानुपाती है, तो टी अनुक्रमानुपाती एल की पावर ए
जी की पावर बी और एम की पावर सी। ठीक है, हमको लगता है ऊपर हो गया है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसको रफ कर लेते हैं ना। तो टी अनुक्रमानुपाती एल की पावर ए, ठीक है, जी की पावर बी और एम की पावर सी। ठीक है, जो जिस पर निर्भर करे उसके अनुक्रमानुपाती मान लेते हैं, जो जिस पर निर्भर करे उसके क्या मान लेते हैं, अनुक्रमानुपाती मान लेते हैं। ठीक है, बात समझे कि नहीं? ठीक भैया, समझ समझ में आ रहा है ना? आप लोग थोड़ा रिस्पांस करते रहिए, समझ में आ रहा है? किसी सरल लोलक का आवर्त काल टी, लोलक की लंबाई एल की पावर ए, गुरुत्वीय त्वरण जी की पावर बी और लोलक के द्रव्यमान एम की पावर सी के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो एल की पावर ए, जी की पावर बी और एम की पावर सी के अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, टी। टी बराबर यहाँ क्या रख देंगे, के एल की पावर ए, जी की पावर बी और एम की पावर सी, समीकरण नंबर एक मान लेंगे। जहाँ के क्या है, जहाँ के एक विमाहीन नियतांक है, जहाँ के एक विमाहीन नियतांक है। ठीक है, जहाँ के एक विमाहीन नियतांक है। ठीक है ना, तो बात को समझें। ठीक है, जो जिस पर निर्भर करता है उसके अनुक्रमानुपाती मान लेते हैं, फिर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई न कोई नियतांक आता है, यहाँ के आ गया। के क्या है, एक विमाहीन नियतांक है। अब समीकरण एक के ना दोनों पक्षों की, समीकरण एक के दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिख दो भाई। ठीक, टी का विमीय सूत्र क्या होगा, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो और टी। ऐसे भी तो हो सकता है, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो और टी। के क्या है, एक विमाहीन नियतांक है, के की कोई विमा नहीं होगी। लंबाई एल की पावर ए, गुरुत्वीय त्वरण जी की पावर बी, तो ये एल टी माइनस टू इसकी पावर बी, और ये द्रव्यमान एम की पावर सी, ऐसे आ जाएगा, आएगा भाई। ठीक है, के की कोई विमा नहीं होगी, लंबाई एल का विमीय सूत्र ए, जी का एल टी माइनस टू और एम का सी, तो कितना हो जाएगा, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो और टी, और ये आ जाएगा एम की पावर सी, एम की पावर सी, और एल की पावर यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, तो ए प्लस बी और टी की पावर माइनस टू बी। देखें इसको बेटा ना, ये एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो और टी, यहाँ एम की पावर सी है पहले रख दिया, एल की पावर ए और एल की पावर बी, तो एल की पावर ए प्लस बी, टी की पावर माइनस टू बी। घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तुलना कर लो मेरे बच्चों, तो c बराबर कितना आ गया, जीरो ना, और माइनस टू बी इक्वल टू कितना आ गया, वन, माइनस टू बी इक्वल टू वन, तो बी इक्वल टू माइनस हाफ, बी इक्वल टू कितना आया, माइनस हाफ, तथा a प्लस बी इक्वल टू यहाँ कितना है, a प्लस बी है, यहाँ जीरो है तो जीरो, तो a प्लस बी की जगह माइनस हाफ बराबर जीरो, तो a इक्वल टू कितना आया, प्लस हाफ, ए इजकल टू प्लस हाफ आया, बी इजकल टू माइनस हाफ आया, और सी इजकल टू कितना आया, जीरो ना, दिखाई दे रहा होगा लास्ट में, ए इजकल टू प्लस हाफ, बी इजकल टू माइनस हाफ, और सी की वैल्यू कितना आई, जीरो आ गई। ठीक है, तो इतना आया, तो ए बी सी का मान उठाकर कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर एक में, समीकरण नंबर एक में ए बी सी का मान रखने पर, समीकरण एक में ए कामा बी कामा सी का मान रखने पर, तो रख दीजिए, तो टी बराबर के एल की पावर ए, ए की वैल्यू हाफ है, जी की वैल्यू माइनस हाफ और एम की वैल्यू जीरो, तो ये आ जाएगा T
टी बराबर के एल की पावर हाफ बटे जी की पावर माइनस हाफ, ठीक है, इतनी बात आ जाएगी। या इसको क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, टी इजकल टू के अंडर रूट एल अपान जी, ठीक है, टी इजकल टू के अंडर रूट एल अपान जी। तो देखें, अगर आपने पढ़ा हो नाइन्थ में, ठीक है, किसी सरल लोलक का आवर्त काल टी बराबर टू पाई अंडर रूट एल अपान जी होता है, ठीक है, तो यहाँ के अंडर रूट एल अपान जी आया, तो लिख देंगे जहाँ प्रयोगों के आधार पर के का मान 2π आता है, कितना आता है 2π आता है। अच्छा, ये तो आपको पता था तो आपने लिख दिया, अगर नहीं पता है तो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है ना, उतने पर ही छोड़ देंगे, वो भी सही माना जाएगा। तो टी बराबर 2π अंडर रूट एल अपान जी, लेकिन आप इतने ज़्यादा सूत्र तो हैं नहीं कि आप उनको जानते नहीं, आप लगभग सूत्रों को जानते हैं तो उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें बच्चों, हमने आपको बताया कि बीमा का उपयोग, ठीक है, हमने बीमा के तीनों उपयोग आपको बताए, ठीक है, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने बीमा निकालना सिखाया था, हमने बीमा का पहला उपयोग बताया क्या, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, दूसरा उपयोग बताया सूत्रों की जांच करना, तीसरा उपयोग बताया सूत्रों की उत्पत्ति करना, ठीक है। आइए इसके एक सवाल और देखें, ठीक है, फिर उसके बाद ना फिर तीनों के मिलाकर सवाल किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आज आप संख्या में कम भी हैं ना, बात समझ में आई, ठीक है, आज लगता है सबको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी आज वाली क्लास की 10 बजे से, हमेशा के 11 बजे के हिसाब से लगता है वो लोग सोचे हुए हैं, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन सब वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बीमा के उपयोग पर ढेर सारे न्यूमेरिकल लेके आएंगे, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसको लगाते रहें, आपको असाइनमेंट भी देंगे उसी में हम, ठीक है। अभी देखें, एक क्वेश्चन और देख लें ना चलते चलते, किसी गतिशील कण की गतिज ऊर्जा के, किसी गतिशील कण की गतिज ऊर्जा के कण के द्रव्यमान m तथा कण के वेग स्मॉल v पर निर्भर करती है, तो कण की गतिज ऊर्जा के लिए बीमी विधि से सूत्र निकालो, ठीक है, किसी गतिशील कण की गतिज ऊर्जा के कण के द्रव्यमान m और कण के वेग v पर निर्भर करती है, तो कण की गतिज ऊर्जा के लिए बीमी विधि से सूत्र निकालो, ठीक है। तो कैसे इसको हल करेंगे, माना, ठीक है, कौन निर्भर कर रहा है, गतिज ऊर्जा किस पर, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर कर रही है, तो जो जिस पर निर्भर करता है उसके क्या मान लेते हैं, अनुक्रमानुपाती मान लेते हैं, ठीक है, जो जिस पर निर्भर करता है उसके क्या मान लेते हैं, अनुक्रमानुपाती मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ मान लेंगे क्या, माना गतिशील कण की गतिज ऊर्जा के कामा कण के द्रव्यमान m की पावर a तथा कण के वेग v की पावर v के
अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। किसी गतिशील कण की गति तो ऊर्जा के, कण के द्रव्यमान m की पावर a तथा कण के वेग v की पावर v के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो k अनुक्रमानुपाती m की पावर a और v की पावर v, या k बराबर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, ठीक है। तो यहाँ आप नियतांक मान लीजिए बेटा कि x है ना, कोई भी मान लीजिए आप यहाँ नियतांक, तो हम मान लेते हैं z है, तो यहाँ लिख देंगे z m की पावर a v की पावर v, समीकरण नंबर एक, जहाँ z एक क्या है, बीमाहीन नियतांक है, जहाँ z एक बीमाहीन नियतांक है। मेरी बात को नहीं समझे आप ना, किसी गतिशील कण की गतित ऊर्जा के, कण के द्रव्यमान m, कण के वेग v पर निर्भर करती है, तो गतित ऊर्जा के लिए विमीय सूत्र निकालो। तो मान लिया गतिशील कण की गतित ऊर्जा के, कण के द्रव्यमान m की पावर a तथा वेग v की पावर v के अनुक्रमानुपाती हो, क्यों, क्योंकि गतित ऊर्जा इन्हीं दोनों पर तो निर्भर कर रही है, तो मान लिए कि इसके अनुक्रमानुपाती है, तो k बराबर z m की पावर a v की पावर v, जहां z एक बीमाहीन नियतांक है, जहां z एक क्या है बेटा, बीमाहीन नियतांक है। अब समीकरण के दोनों पक्षों की बीमा लिख देंगे, समीकरण के दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, तो k का बीमा क्या होगी, गतित ऊर्जा है तो गतित ऊर्जा का विमीय सूत्र वही होगा जो ऊर्जा का होगा, तो ML2T-2, z का कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, और यहाँ m का विमीय सूत्र m की पावर a, और यहाँ b का LT-1 की पावर b, यानी ये m की पावर a, l की पावर b और t की पावर माइनस b, और यहाँ ML2T-2, ठीक है। दोनों पक्षों में घातों की तुलना कर देंगे, घातों की तुलना करने पर ना a बराबर कितना आ जाएगा, 1 आएगा ना भाई, यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ a है, और b बराबर कितना आएगा, 2, a और b का मान आ जाएगा भाई। तो समीकरण एक से k बराबर, अब समीकरण एक से k बराबर z m की पावर 1 और v की पावर 2, तो k बराबर z m v स्क्वायर ना। लेकिन बेटा हम में से हर बच्चा जानता है k बराबर क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर, k बराबर क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। ये z है मेरे बच्चों, नहीं इसको आप 2 मान लें, ठीक है। k बराबर क्या आया, z m v स्क्वायर, जहाँ z एक क्या है, बीमाहीन नियतांक है, जिसका मान प्रयोगों द्वारा कितना आता है, हाफ आता है, जिसका मान प्रयोगों द्वारा हाफ आता है, तो आ जाएगा क्या, तो k बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, और यही तो लाना था, गतित ऊर्जा के लिए सूत्र क्या आ गया, k बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। तो मेरे बच्चों इसको खूब अच्छे से आप फिर से देखिएगा, खूब रिवीजन करिएगा ना, ठीक है। हमने कहा था ना समझ में आया तो इसमें कमेंट करें, खूब रिवीजन करिएगा ना, जो बात नहीं समझ में आई है उसको ग्रुप में और पूछिएगा अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे बीमी विधि से रिलेटेड, बीमा के उपयोग या बीमा निकालने से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, ढेर सारे क्वेश्चन लेके आएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। आप इस वीडियो को देख करके खूब लेक्चर तैयार करिएगा, हम आपकी नोट्स आपके ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, खूब पढ़िए, ठीक है। थैंक यू, ओके।